ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आरक्षण की जरूरत इस देश में किसको है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है। चुनाव का वक्त है और जाट आरक्षण की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं और बीजेपी का बहिष्कार की बात भी कह रहे हैं। प्रमोद जी हमारे साथ अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति से। प्रमोद जी एक बात बताइए, आप आरक्षण की आज मांग कर रहे हैं और एक जायज पहलू को मैं इसके जानने की कोशिश करूं तो आप जाटों को आरक्षण दिलवा देंगे, आप शिक्षक उन्हें बना देंगे, आप उन्हें डॉक्टर बना देंगे, आप उन्हें इंजीनियर बना देंगे, क्या उसके बाद आप ऐसे अस्पताल खुलवा देंगे जहां सिर्फ आरक्षित वर्ग ही इलाज कराएगा? क्या आप ऐसे स्कूल खुलवा देंगे जहां सिर्फ आरक्षित वर्ग ही पढ़ाई करेगा? नकुल जी, मैं इसमें कहना चाह रहा हूं, ऐसा कौन सा हायर क्लास अफसर है, ऐसा कौन सा हायर क्लास पॉलिटिकल लीडर है जो आम हॉस्पिटल या आम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा? इस चीज की गारंटी तो सरकार लेगी। हमारा काम है, हमारी डिमांड है, हमारा ये अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी जायज मांग मांगने का। ये तो उनका काम है, वो ऐसे अस्पताल खोले, ऐसे स्कूल खोले कि वहां सबका इलाज हो, सब वहां पढ़ाई करें। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि देखिए, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और मेरे सामने एक जाट प्रतिद्वंदी है, उसे मिले हैं 33% और मुझे मिलते हैं 90%, लेकिन वो आरक्षण के दम पर एक डॉक्टर बन जाएगा और मैं नहीं बन पाऊंगा, तो आप सोचिए वो इलाज क्या करेगा आरक्षण लेकर? ये नकुल जी, ये आप हमसे जो पहले जिनको आरक्षण मिल रहा है उनके भी तो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनके बच्चे तो इंजीनियर बन रहे हैं। आप ये पूछो कि उन्होंने कितनों का इलाज कर लिया, उनसे कौन इलाज करा रहा है? आज अगर हमारे देश में अस्पतालों में लोगों की मौत होती है तो शायद इसी वजह से होती है। आज अगर शिक्षा का हाल बदतर है तो शायद इसी वजह से है कि आरक्षित टीचर, हमने देखा स्कूलों का हाल, आपने भी देखा होगा बालियान जी, आपने भी देखा होगा स्कूलों का हाल। टीचर को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आजाद कब हुए थे, संविधान कब लागू हुआ था, हमारा रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, बताइए। ऐसे शिक्षक क्या ऐसे स्कूल भी खुलवाएंगे फिर? नहीं नहीं, स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, ये नकुल जी, ये सरकार का काम है। नहीं, मैं हमारा काम नहीं है कि आप इसके लिए, मतलब आप इसके लिए रेडी हैं कि भाई आरक्षण आप ले लेंगे, उसके बाद आप ये कहेंगे भाई जो आरक्षित लोग हैं उनके लिए अलग स्कूल होंगे, अलग अस्पताल होंगे? नकुल जी, हमसे पहले जिनको आरक्षण क्या वहाँ वही उन्हीं के बच्चे बन रहे हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल प्रमोद जी, उन्हीं का इलाज हो रहा है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की भी बात कर रहा हूँ, जातियों की भी बात कर रहा हूँ जो आरक्षण मांग रहे हैं जी। आप बताइए क्या आप राजी होंगे, क्या आप ऐसे अस्पताल में इलाज करने जाएंगे जहां डॉक्टर आधा पढ़ा हुआ होगा? नहीं, हम आरक्षण के आधार पर डॉक्टर बन गए, हम वहां राजी होंगे जहां एक आईएएस का बच्चा भी वहीं इलाज कराए, एक आईएएस पीसीएस का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, हम उसमें राजी हैं। बिल्कुल, समानता देश में होनी चाहिए, संविधान हमारा कहता है। बिल्कुल, संविधान हमारा कहता है समानता, संविधान ये भी कहता है जो गरीब कुचले कमजोर लोग हैं उनको भी ऊपर लाओ। मैं जाट आरक्षण समिति को तब मानता जब आप कहते कि भाई सारे आरक्षण आप खत्म करो, या तो सबको आरक्षण दो आर्थिक आधार पर, या फिर आरक्षण किसी को नहीं। जिस चीज जिसको जिस भाई को हमारे आरक्षण मिल रहा है, चाहे सैनी समाज से, चाहे हरिजन है, चाहे वो किसी भी कास्ट, हम उसको ये कैसे कहते कि इसका बंद करो? हमारी अपनी डिमांड है कि हमें आरक्षण दो, हमें उसके बराबर खड़ा करो। मैं आरक्षण बंद और खत्म करने की बात नहीं कर रहा, मैं आरक्षण के डिफेक्ट्स बता रहा हूं। अशोक बालियान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं यही सवाल, क्या अगर मैं आरक्षण लेना मुझे पसंद है कि भाई मुझे आरक्षण सरकार दे दे, मैं एक बहुत अच्छा, मैं एक शिक्षक बन जाऊं आरक्षण लेकर, क्या फिर उसके बाद मुझे इसके लिए भी मना नहीं करना चाहिए कि फिर मेरे बच्चे ऐसे ही स्कूल में पढ़े जहां आरक्षित टीचर्स हों? लेकिन नकुल जी, शुरू में ये केवल 10 साल के लिए किया गया। बिल्कुल, और हमारे संविधान बनाने वाले लेवल में लाने के लिए महान नेताओं पे था कि भाई सभी लोग लेवल में आ जाए, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान एक बिग पॉपुलेशन का कंट्री है और यहाँ लोगों को अभी असमानताएं बहुत हैं, लोगों के रहन सहन में, लोगों के लाइफ स्टाइल में, तो अभी भी बहुत सारे कारण हैं। ये तो एक अलग इशू है, इस पे आज मैं समझता हूँ कि हम डिबेट नहीं कर सकते कि भाई क्या होना चाहिए, लेकिन ये 60 सालों से बढ़ता ही जा रहा है। सवाल ये भी है अशोक जी कि अगर 10 साल के लिए किसी चीज को लागू किया गया था, लेवल में लाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए आरक्षण को लगातार जारी रखा और इसे बांटते चले गए कि हाँ भाई चलो तुम्हें भी आरक्षण देंगे, तुम्हें भी आरक्षण देंगे, तुम्हें भी आरक्षण देंगे, नहीं लगता राजनीतिक स्टंट? और आज इस तरीके से घुल चुका है हमारे देश के अंदर डीएनए में कि भाई सबको आरक्षण चाहिए। मैं कहता हूं कि कल कुछ और लोग आरक्षण के लिए आएंगे, कल के दिन राजपूत भी आरक्षण मांगेंगे, ब्राह्मण भी आरक्षण मांगेंगे। नकुल जी, ये आप राजनीतिक पार्टी हमारी बीजेपी पार्टी के बैठे सुनेंगे, ये इनसे पूछिए। हालांकि नकुल जी, मैं इसमें और कहना चाहता हूं, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं कि जहां एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को बढ़ा गया है ताकि मेडिकल जैसे क्षेत्रों में या दूसरे ऐसे क्षेत्र जहां
योग्यता ही माने रखती है, उसमें क्या उससे नीचे का, चाहे वो आरक्षण श्रेणी के और उससे नीचे के को नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोशन में भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि भाई आप एक बार आरक्षण का लाभ दे दो, इसके बाद फिर प्रमोशन में उसका ना दो। लेकिन समझते हैं कि अगर देश में सभी को रोजगार मिल जाए तो ये बेहतर होगा, लेकिन लेकिन ये आधार पर आपको मिले नौकरी, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। नकुल जी मैं समझता हूँ कि अभी हिंदुस्तान उस तरफ बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। संजय अग्रवाल जी आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी से हैं आप, आपसे ये जवाब जानना चाहूंगा, अभी अशोक बालियान जी ने जिक्र किया कि सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था, बीजेपी कई आरएसएस वाले भी कई बार इस तरीके के बयानबाजी कर चुके हैं, अभी चुनाव से पहले उनका बयान आया था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, सोचने की जरूरत है आरक्षण को पर फिर से एक बार, क्या आप लोग क्यों नहीं पहल करते इस आरक्षण को, या तो सबके लिए लेकर आओ आप लोग, ये कम्युनिटीज में जो बटा हुआ है कि हाँ भाई इसे भी आरक्षण दो, फिर उसके बाद तो कुछ और को आरक्षण दो, या फिर बीजेपी ये लेकर आए कि भाई देश में हम सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, आप गरीब हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, आपके पास नौकरी नहीं है आपको आरक्षण मिलेगा, आपके पास घर नहीं है आपको उसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन जातियों के आधार पर क्यों बांट रखा है देश को, आप एक तरफ करते हैं सबका साथ सबका विकास और उसके बाद फिर भी आप इसमें कोई पहल नहीं कर रहे। एक्चुअली में नकुल जी, जब देश आज़ाद हुआ संविधान के अंदर 10 साल की व्यवस्था की गई, बालियान साहब ने बताया, लेकिन 10 साल बाद भी जो सरकारें थी उनको ये लगा कि उन लोगों का विकास अभी भी नहीं हुआ है, उनको आरक्षण फिर बढ़ाया गया 10 साल के लिए। और वास्तव में आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखते हैं जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, अधिकांश अभी भी वो लोग उतने सक्षम नहीं है कि उनका अगर आरक्षण हम हटा लेंगे तो वो समाज में आगे बढ़ पाएंगे। और जब हमें सबका साथ सबका विकास, समानता की बात हम करते हैं, जब तक वो लोग वीकर सेक्शन हमारा ऊपर नहीं उठ जाता तब तक हमें उनके आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए कोई भी सरकारें आती हैं वो जनहित की बात करती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जनहित की बात करती है, इसलिए उस आरक्षण को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं ना, बढ़ाते जाएंगे बांटते जाएंगे लोगों को, फिर आने वाले टाइम में और आंदोलन होंगे, उन्हें भी आरक्षण चाहिए होगा, मतलब रोकने के लिए कोई पहल नहीं करनी है कि भाई एक सही तरीके से देश में सबको आरक्षण मिले। बालियान जी अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 10 साल के लिए लागू किया गया था, 10 साल में क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम देश भर में लोगों को लेवल पर ला सकते अगर सरकार अगर तरीके से काम करती तो, इतना भी गरीब नहीं था देश हमारा। बिल्कुल, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, आज तो पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व खत्म हो गया, लेकिन 50 साल तक इस देश में पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उनमें ये सब चीज़ें थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जो हमारे महान नेताओं का सपना था उस पर उतनी तत्परता से, उतनी मजबूती से काम नहीं हुआ जितनी मजबूती से होना चाहिए था। और ये भी संजय अग्रवाल भाई ने ठीक कहा कि अभी भी जरूरत है। और मैं एक बात और आपको निकुल जी कहना चाहता हूँ, ओबीसी में तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस में कहा था कि क्रिमिनल एयर के ऊपर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल एससी और एसटी में ही तो, चाहे वो कितना भी मालदार हो जाए उसको मिलता है, लेकिन ओबीसी के लिए तो अगर वो उसकी एक निश्चित आय है तो वो खुद पे खुद बाहर हो जाता है। अशोक जी मैं कह रहा हूँ, आप जाति के आधार पर ये सब कैसे तय कर पाएंगे कि भाई बंदा गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास खाने के लिए नहीं है। मैं देखता हूँ आज के वक्त में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, उन्हें नहीं पता, बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जो गरीब हैं जिनका कोई वो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं वाकई में, उन्हें आरक्षण की जरूरत है, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता। इसमें नकुल जी मैं इसमें एक और दोबारा फिर समझ लो आपके आरक्षण क्या है जी। आरक्षण केवल ये नहीं है कि गरीबी अमीरी के लिए मापदंड है, ठीक है ओबीसी में क्रिमिलियर है, आरक्षण है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में कमीशन ये देखेगा कि उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है उनकी जनसंख्या के आधार, समाज में अन्य जातियों के मुकाबले में उसका सामाजिक स्तर क्या है। आपने देखा होगा गांव में ब्राह्मण का चाहे छोटा बच्चा भी आ जाओ, वो अब तो ये चीज़ें नहीं रही, वो चारपाई पर अगर बैठता था तो अपर साइड बैठता था, तो ये और बाकी जो एग्रीकल्चर कास्ट थी हिंदुस्तान में वो दूसरी साइड बैठती थी, वो भेदभाव तो, फैलाया गया ना, वो भेदभाव कह लो या एक भारत में एक प्रथा थी कि सोशल स्टेटस क्या है, उनकी महिलाएं कितना खेत में काम करती हैं, अगर आपने बहुत सारी जातियां ऐसी जन्म ले लिया तो आप चार पे वो खाट पे बैठने लायक हो गए, आपने पंडित के घर में जन्म नहीं लिया तो आप नीचे बैठोगे। ये हम किसी को आलोचना के रूप में, लेकिन एक प्रथा हिंदुस्तान की थी ऐसी, तो उनकी महिलाएं खेत में काम करती है नहीं करती है, उनके घरों का भी था कि उनके घर कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं, तो बहुत सारे कमीशन क्यों बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए कमीशन बनाए गए थे कि स्टेट का कमीशन स्टेट की जांच करेगा, सेंट्रल कमीशन सेंट्रल की जांच करेगा, और वो तय करेगा कि किस जाति को मिलना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ ये दुर्भाग्य रहा कि हमेशा कमीशन ने हमको ठीक ढंग से नहीं लिया, और कमीशन ने एक बार हमारे पक्ष में दे दी, एक बार हमारे विपक्ष में दे दी, ये जाट के साथ दुर्भाग्य रहा, जबकि हम मंडल कमीशन जो
मूल कमीशन था उसकी रिपोर्ट में हम लोग उसके खिलाफ। चलिए प्रमोद जी ये बताइए, आप लोग अब बीजेपी के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, आप बीजेपी के खिलाफ बिगुल भी फूंक रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण चाहिए। आप ये बताइए, बीजेपी अभी अगर आपको आरक्षण नहीं देती तो कौन आपको आरक्षण देगा? नहीं 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 नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ इसलिए कि इन्होंने हमारा हरियाणा में आरक्षण खत्म किया, सेंट्रल में आरक्षण खत्म किया। आपको लगता है कि और भी खत्म कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर देंगे। बाय चांस अगर ये यूपी में आ गए तो यहाँ भी 100% इनकी पॉलिसी है, इनकी सोच है कि 100% आरक्षण यहाँ भी खत्म होगा। आरक्षण भैया हमने दिया था यूपी में आपको, वो टाइम और था। नहीं वो टाइम और था। अच्छा, ये मोदी का टाइम है शायद, यहाँ पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो वक्त अलग था, है ना? नहीं नहीं, आरक्षण के खिलाफ। एक चीज बताओ, हमारे पिछड़े वर्ग से आते हैं। नहीं नहीं, देखो हर स्टेट में हर कास्ट का अलग है, वहाँ कोई पिछड़ा है, यहाँ कोई पिछड़ा है, हरियाणा में कोई और पिछड़ा है, ये नहीं आप कह सकते। हमारा कहना यह है, जब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, इनकी पार्टी बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने वादा किया था अभी व्यस्त हूं, अभी नहीं मिल पा रहा हूं समय। हाँ, चुनाव के बाद करते हैं कुछ। हाँ, चुनाव के बाद तो और इलाज होने वाला ना, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अलावा जी एक निवेदन करूंगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है, हमारे गृह मंत्री जी ने कोई बात कही है, बड़े भाई हमारे तो कमेंट हुआ है। अलावा जी, मैंने भी आपको बड़े ध्यान से सुना जी, जी, उन्होंने कोई बात की है, बहुत वरिष्ठ लोग हैं हमारी पार्टी के, और हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कोई रिपोर्ट आ रही हो, कोई कमेटी गठित की हो, कोई जानकारी वो करना चाह रहे हो। भाई साहब 8 महीने हो गए उस प्रॉमिस को किए हुए, 8 महीने। अलावा जी, जब 8 महीने में अब तक आप कैसे आइडिया लगा लोगे? भैया जी मैं इनकार नहीं कर रहा, 8 महीने नहीं हुए जी। लेकिन हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं केंद्र सरकार के सामने, बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ा सा धैर्य हमें रखना चाहिए, हमें समय देना चाहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एक वालों पे आपने एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है, नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है वो पूरी होगी। पुलिस अपना काम करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की किसी बात को भी हमें मानना चाहिए, वो पूरी होगी। अशोक भाईयान जी कुछ कह रहे हैं। मैं एक कानूनी बात और कहना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि 2014 लास्ट टाइम में हमें 4 तारीख को आरक्षण मिला था जी, एक दुर्भाग्य और हमारे साथ हुआ था। उसी दिन जिस दिन 4 तारीख में रात के 12 बजे नोटिफिकेशन हुआ, उसी दिन 4 तारीख में ही कमीशन की रिपोर्ट हमारे अपोजिट आई। आज तक भी वही कमीशन है जी, तो दोबारा हमारी सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कमीशन के माध्यम से आइए या सरकार, ठीक है, एक क्लोज ये भी है कि सरकार कमीशन की रिपोर्ट को जरूर नहीं कि उसको एडमिट करें जी, उससे अलग भी दे सकते हैं, लेकिन फिर सरकार के पास कोई तथ्य हो, कोई कमेटी बनाई हो, जैसे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री राम प्रसाद जी ने हुकम सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, तो ये सारे एक कानूनी पहलू हैं। मौजूदा कमीशन के रहते हुए सब कुछ अटका हुआ, एक रिपोर्ट आ चुकी थी, दोबारा कमीशन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। अब मैं समझता हूँ कि इन चुनाव के बाद में सरकार को ये जांच मांग है, इस पर निश्चित तौर सकारात्मक ढंग से लेगी, और बाकी कोई चुनाव में मैं समझता हूँ कि बहिष्कार जैसी कोई बात नहीं है। हर कम्युनिटी, हर समुदाय, हर पार्टी को लाइक करता है, ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की पहचान। चलिए प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप ये बताइए, अगर बीजेपी आपको आरक्षण नहीं दे रही, केंद्र सरकार आपको आरक्षण नहीं दे रही, तो आपको आरक्षण से उम्मीद आपको किससे है, कौन आपको आरक्षण दे देगा? देखो, उम्मीद तो फिर भी हमें सेंट्रल से ही है, लेकिन आपने देखा होगा जब तक हम कोई डिमांड नहीं करेंगे आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपके ये तो इस देश का कल्चर हो गया, ये कल्चर हो चुका नहीं करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। तो अगर 5 स्टेट में इस बार चुनाव है, अभी यहाँ रिसेंट में आने वाली 11 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है, ये एक टाइम है। देखो, हर कोई चाहता है, मोदी जी का नारा है कांग्रेस सपा भारत से मतलब इसको किसी भी स्टेट में नहीं रहेगी। हम मोदी जी को यही कहना चाह रहे हैं कि हम यूपी में आपको आने ही नहीं देने के अगर आपने हमारी बात ना मानी। मोदी जी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सीधा चैलेंज है बीजेपी को कि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट हम किसी भी सूरत में यहाँ बनने नहीं देने के। चलिए, जाट सपोर्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जाट कम्युनिटी अलावा जी 100% जाट थोड़ा नाराज है, मैं मानता हूँ हमें बहुत अच्छी वोट, सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, हमारा पूरा बहिष्कार, सबका साथ सबका विकास, सबका वोट। आपकी नाराजगी जायज है, हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। आखिरी शब्द आपके अशोक बालन जी, मेरा इसमें ये कहना है कि कोई भी कम्युनिटी किसी भी पार्टी के बहिष्कार के लिए, मैं समझता हूँ कि पब्लिक में कोई
डेमोक्रेसी की पहचान है कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति, हर पार्टी के, बहुत सारे जाट हम बात करते हैं वो बीजेपी को लाइक करते हैं, बहुत सारे जाट किसी अदर पार्टी को लाइक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में, हाँ ये जरूर है कि जाट की ये बहुत जायज मांग है, लेकिन मैं समझता हूँ इस चुनाव में जाट आरक्षण की वजह से कोई बहिष्कार जैसा मुद्दा प्रभावी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सीधा सवाल में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जाटों को आरक्षण की कौन सी जरूरत है, कौन सी जरूरत के तहत जाट आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जाटों को किस मद्देनजर आरक्षण की जरूरत है। समाचार टुडे एक जागरूक चैनल होने के नाते ये चाहता है और ये सोचता है कि लोगों को अगर आरक्षण मिले तो आर्थिक आधार पर मिले, जातिगत आधार पर ना मिले, धर्म के आधार पर ना मिले, तभी शायद हम देश को लेवल में ला पाएंगे। लेकिन अगर आरक्षण इसी तरीके से हमारे देश की रगों में कूदता रहा, घुसता रहा, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये देश आरक्षण के जाल में इस तरीके से फंस जाएगा कि हम इससे फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना ही विकास की तरफ दौड़ पाएंगे। फिलहाल सीधा सवाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे।